आरती श्री रामायण।
वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत जोग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनि हंस सेभ्यम सन्मान शाली परिपीत पराग पुंजम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी सियावर राम चंद्र की जय। दो बार हम और आप भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात रामचरितमानस को आधार मानते हुए राम कथा की पृष्ठभूमि पर प्रवेश किया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण विश्व का गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, स्वामी विद्यागिरि जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, समस्त संतगणों की जय हो, समस्त भक्तगणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रथम तो तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं, जिनकी गोद में बैठकर, जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ इस पावन कुंभ पर्व पर कल्पवास कर पा रहे हैं, श्री राम कथा की चर्चा श्रवण कर पा रहे हैं। तत्पश्चात माँ त्रिवेणी को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यागिरि जी महाराज को ओम नमो नारायण करते हैं, पश्चात परम श्रद्धेय स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी श्री देवेंद्रानंद जी महाराज जिनका सानिध्य भी हम और आपको प्राप्त हो रहा है, तत्पश्चात हमारे परम आदरणीय महंत श्री सर्वेश्वरी गिरि जी महाराज, दिल्ली से पधारे हुए सब सहगल साहब और उनके सब हमारे प्रिय लोग, स्वामी जी के आश्रम से जुड़े हुए लोग, हमारे अतरालिया मंडी से भी पधारे स्वामी जी के आश्रम से लोग, पांडे जी हमारे तीन पांडे जी आज एक साथ बैठे हुए हैं। माताओं बंधुओं,
आज कथा का प्रथम दिवस है और ऐसा असंभव है। पहली बात तो मैं यह बता दूं, जो विद्वान बैठे हो यहाँ रामचरितमानस के यदि कोई, ऐसा असंभव है कि 9 दिन में क्या 9 महीने में भी राम कथा को कोई पूर्ण कर सके या किसी भी कथा को कोई पूर्ण कर सके। तो इसलिए ऐसा मत विचार करके बैठिएगा। तीर्थराज प्रयाग की गोद में बैठकर हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग को भी महादेव का ही स्वरूप कहा जाता है। और एक बात सदैव याद रखिएगा, राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है? आज हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे। और राम कथा सुनने के लिए क्या आवश्यक है? पहले राम कथा सुनने के लिए सबसे परम आवश्यक चीज है आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास का संबंध होना। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप राम कथा के अधिकारी नहीं हैं। राम कथा आपके लिए नहीं बनी। और दूसरी बात, कोई भी काम आपके मन में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कामना हो या कामिनी हो, दोनों प्रकार के काम हृदय में रहेंगे तो आप राम कथा के अधिकारी नहीं कहलाएंगे। इसलिए आज माताओं बंधुओं, हम लोग सूक्ष्म समय में केवल श्रद्धा और विश्वास के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, जिससे कल से हम लोग राम कथा प्रारंभ कर पाए। तो ये श्रद्धा और विश्वास कौन है? ये श्रद्धा और विश्वास और कोई नहीं, श्रद्धा है माता पार्वती और विश्वास स्वरूप है हमारे महादेव भगवान। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हमारी माता पार्वती को श्रद्धा की स्वरूपा कहा गया है और महादेव विश्वास के स्वरूप है। किंतु एक बात सदैव याद रखिएगा, श्रद्धा और विश्वास का संबंध होना इतना आसान नहीं है, बड़ी कठिनाई से स्थापित होता है और हुआ भी। आज हम लोग यहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। नावान्न पारायण पे भी मैं सुन रहा था, यही पाठ चल रहा है, हमारे विद्वान लोग कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, माता सती ने देह का त्याग कर दिया अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जा करके, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाके जब माता सती ने देह का त्याग किया, तत्पश्चात माता पार्वती का जन्म हुआ। यहीं से हम लोग आज कुछ सूक्ष्म चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या कारण था कि माता पार्वती का जन्म हुआ और क्या कारण था कि हिमालय जी के यहाँ ही हुआ? अरे कहीं और हो जाते, कोई और माता पिता बन जाते, क्या आवश्यक था कि हिमालय के यहाँ जाके हो? देखिए, माता सती जो दक्ष के यहाँ जन्म ली थी, और दक्ष का अर्थ होता है कुशल, इंटेलिजेंट, विद्वान, दक्ष, निपुण, दक्ष। तो जो व्यक्ति दक्ष होता है ना किसी कार्य में, उसे कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है। माता सती के साथ भी क्या हुआ कि दक्ष की बेटी थी तो पिता का ये गुण अंदर आ गया, और यही कारण था माताओं बंधुओं कि भगवान श्री राम को माता जानकी के लिए लीला करते हुए जब देखा माता सती ने, तो महादेव ने खूब समझाया, देवी इन पे संदेह न करना, अरे देवी ये हमारे वही प्रभु हैं, ये केवल लीला के लिए रो रहे हैं। लेकिन माता सती बुद्धि लगाने लग गई, तर्क लगाने लग गई, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मनुष्य है तो अगर परमात्मा होते तो आंख बंद करके नहीं ढूंढ लेते, ऐसा सोचने लग गई। और वही संदेह उनके अंदर उत्पन्न हो गया, और जहां उन्होंने परमात्मा के लिए, एक बात सदैव याद रखिएगा, आप में बुद्धि कितनी भी क्यों ना हो माताओं बंधुओं, लेकिन श्रद्धा से सदैव कम होनी चाहिए। श्रद्धा की जहां बात है वहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, वरना आप परमात्मा से दूर हो जाएंगे। यही कारण था कि माता सती से ज्यादा और किसका संबंध होगा, परमात्मा की पत्नी थी वो, पति पत्नी से ज्यादा और प्रगाढ़ संबंध क्या होता है। किंतु फिर भी अलग हो गई, दूर कर दिया, क्योंकि जहां श्रद्धा लगानी थी वहां बुद्धि लगा बैठी। और दूसरी तरफ देखिए माता पार्वती को, माता पार्वती में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगों, जो पर्वत होता है वो सहजता में जड़ होता है, कोई बुद्धि नहीं है।
लेकिन उनमें श्रद्धा कूट कूट के भरी है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कितनी श्रद्धा कूट कूट के भरी। यही कारण था माताओं बंधुओं कि वो परमात्मा से इतनी दूर होने के बावजूद भी परमात्मा की प्राप्ति कर गई। यही दर्शन कराना था प्रभु को, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेही कारण, और कोई कारण नहीं था हिमाचल के यहाँ जाने का। यही दर्शन कराना था प्रभु को कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है, बुद्धि नहीं। तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, और जहाँ तहाँ मुनिन स्वाश्रम कीने। माताओं बंधुओं संत आने लग गए, विद्वान महात्मा के रहने लग गए। अरे संत दुष्टों के बीच में थोड़ी रहेंगे, संत तो वहीं रहेंगे जहाँ पे भक्ति होगी, जहाँ श्रद्धा होगी। तो जहाँ तहाँ मुनिन स्वाश्रम कीने, उचित बास हिम बुधर दीने, सोह सैल गिर जाके आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। हिमालय ऐसा शोभायमान होने लग गया जैसे इस वक्त आप लोग शोभायमान हो रहे हैं। देखिए, अभी आप लोगों के अंदर कथा सुनते समय राम भक्ति उपजी हुई है। यही तो कारण है कि सारे संसार के मोह माया को त्याग कर अभी केवल आप भगवान की कथा में मन लगाए हुए हैं। तो अभी जितने शोभायमान आप हो रहे हैं ना, उतना ही हिमालय भी शोभायमान होने लग गया। तो माताओं बंधुओं, माता पार्वती ने जन्म ले लिया। नारद जी महाराज को ये बात पता पड़ गई। तो नारद जी महाराज की एक बात आपको बताऊं माताओं बंधुओं, नारद जी महाराज को आप देख करके ये पता नहीं लगा पाएंगे कि नारद जी महाराज वास्तविकता में हैं किस पार्टी में, माने किसकी तरफ हैं, राक्षसों की तरफ हैं कि देवताओं की तरफ हैं, क्योंकि वो कंस के यहाँ भी उतने ही आनंद से जाते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी जितना नारायण के यहाँ जाते हैं, राक्षसों से भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं जितना देवताओं से मिलते हैं। तो नारद जी फिर किस पार्टी में है? नारद जी किसी पार्टी में नहीं। नारद जी का एक ही काम है, जैसे संत महात्मा होते हैं ना, तो संत महात्माओं से आप पूछे, अरे भाई चाहे कोई बीजेपी वाला है, चाहे कोई कांग्रेस वाला है, चाहे कोई सपा है, चाहे बसपा है, स्वामी जी के आश्रम में कोई भी आ जाए तो ये थोड़ी कहेंगे कि आप मत आइए, क्योंकि संत किसी पार्टी से नहीं होते। संत का केवल एक काम होता है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, बस। और यही नारद जी का भी काम है। नारद जी भी कुछ नहीं करते, वो जीवात्मा को केवल परमात्मा से मिला देते हैं। यही कारण था माताओं बंधुओं कि माता पार्वती के जन्म के बाद किसी ने बोला नहीं कि नारद जी आइए हमारे यहाँ, और नारद जी पहुंच गए। समाचार नारद जब पाए तो कौतुक ही गिरी गे सिधाए, मजाक में ही चले गए, कौतुक में ही चले गए। तो जब पहुंच गए ना, तो पहुंचते से ही माताओं ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। माताओं की क्या आदत है माताओं, भैया लोग जानते होंगे, माताओं की आदत केवल एक है, संत महात्मा मिल जाएं, बाबा जी मिल जाएं, पंडित जी मिल जाएं, तो उनको कोई रामायण भागवत गीता से मतलब नहीं। वो तो केवल एक सूत्री कार्यक्रम करती हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे की जन्म पत्रिका देख लीजिए, हमारी बेटी का विवाह कब होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी। महाराज जी बड़ी समस्या है, और कोई बात उनके मतलब की नहीं रहती दूसरी। तो माता पार्वती भी नारद जी महाराज से और कुछ नहीं पूछी। जैसे ही नारद जी पहुंचे ना, माता पार्वती ने हाथ कर दिया, माता मैना ने हाथ कर दिया आगे माता पार्वती का, और एक ही प्रश्न किया कि प्रभु त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप तो सब जानते हैं मुनिवर, हमारी कन्या के दोष और गुण कुछ बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, भविष्य बता दीजिए, क्या होगा हमारी कन्या का। तो देखिए, पहले दोष पूछे फिर गुण पूछे, पहले दोष पूछा माता मैना ने फिर गुण पूछा।
और नारद जी की एक बड़ी विचित्र आदत है कि नारद जी को आप कहेंगे महाराज दाएं तो वो करेंगे बाएं, सीधा तो उल्टा, दिन तो रात। ये कोई मैं मनगणंत नहीं कह रहा हूं, हर बात सिद्ध है। यहां से कोई बात आपको मैं मनगणंत नहीं कहूंगा, ध्यान दीजिएगा, मानस में सिद्ध है ये बात, वही बता रहा हूं। नारद जी उल्टा काम करने में ज्यादा आनंद लेते हैं। तो हुआ यही, माता मैना ने कहा प्रभु ऐसा है, पहले दोष बताइए फिर गुण बताइए। ये भी बड़ी व्यवहारिक बात है, ध्यान दीजिएगा भाई। आपके पास कोई आवे और आकर कहे कि पहले दो लाया हूं आपके पास समाचार, एक अच्छा समाचार है एक बुरा समाचार है, क्या बताऊं पहले? तो 80% लोग माताओं बंधुओं कहेंगे कि बुरा, गड़बड़ क्या हुआ है ये बताओ पहले, दुखद समाचार क्या है ये बताओ, क्योंकि अच्छा समाचार तो सुन ही लेंगे हम बाद में, वो तो है ही हमारी झोली में। जबकि व्यक्ति ये नहीं समझता कि बुरा समाचार सुनने के बाद हो सकता है अच्छे समाचार सुनने का रस भी ना ले सके, लेकिन सबसे पहले चिंतित होकर कहता है बिगड़ा क्या है ये बताओ। यही बात माता मैना ने भी कही कि पहले दोष बताइए बाद में गुण बताइए। और नारद जी मैं बता चुका हूं उल्टा करते हैं, तो नारद जी ने कहा कि अच्छा माता ने कहा है पहले दोष बताइए, और यदि हम पहले दोष बता दें तो फिर हमारे नारद जो नाम चलता है वो खराब नहीं हो जाएगा? हमारे नाम का क्या होगा, हमारे हमारी इमेज का क्या होगा? तो कहा कि दोष बताइए, और नारद जी शुरू हो गए कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुंवारी, होई है संतत पियही प्यारी, सदा वचल यही कर यही वाता। आप बताइए ये दोष है कि गुण है? गुण है ना, बोला था दोष बताइए, तो सदा वचल यही कर यही वाता, यही तेजस पई है पितु माता, होई है पूज सकल जग माही, यही सेवत दुर्लभ कछु नाही, अरे यही कर नाम सुमिरि संसारा, तिय चढ़ी है पति प्रश्न असिधारा, तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी कन्या तो बड़ी सुलक्षणी है। अब दोनों माता पिता गदगद हो गए, इतना सुनना था तो उनको लगा कि हमारे बच्चे में कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले पूछा था दोष बाद में पूछा था गुण, और इन्होंने तो दोष बताया ही नहीं, इसका मतलब मिला नहीं होगा, तभी तो गुण ही गुण बता दिए, बड़े प्रसन्न हो गए। तो नारद जी बोले ऐसा है कि पहले से खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आप एडवांस में प्रसन्न ना हो जाइए। क्या का बात तो पूरी होने दीजिए, क्या अभी भी कुछ बाकी है? बोले बिल्कुल बाकी है, सुनहू जे अब गुण दोई चारी। दो चार अवगुण भी सुन लीजिए, कुछ बुराइयां भी होती है बच्चों में कि केवल अच्छा अच्छा ही सुनेंगे आप। देखिए माताओं बंधुओं, ये बहुत व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूं, और एक बात आपको बता दूं माताओं बंधुओं, 9 दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि रामचरितमानस में व्यवहारिक दृष्टि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दी है। रामचरितमानस मैं आपसे बार बार कहूंगा, ये संपूर्ण मानव जीवन दर्शन है, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, ये केवल पाठ के लिए नहीं है, आप ऐसा पाठ भी करिए परलोक सुधर जाएगा, लेकिन इस लोक में यदि रामचरितमानस से आपको कुछ चाहिए तो क्या अर्थ है अर्थाली का, क्या विशेषता है उसकी, क्या उपयोगिता है उसकी, ये जानना परम आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आचार संहिता लिखी है रामचरितमानस, इसलिए इस पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे 9 दिन। तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था, नारद जी ने कहा दोष भी सुन लीजिए बच्चों के, केवल गुण-गुण सुनना ही अच्छा लगता है क्या आपको? और माता पिता यही गलती कर जाते हैं। हर माता पिता को लगता है, पिताजी तो फिर भी समझदार होते हैं, माता जी को तो ज्यादातर यही लगता है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। और मान लीजिए माताओं, दो बच्चों के झगड़े हो जाए, झगड़ जाए दो बच्चे,
तो जब उनकी मम्मी पहुंचेंगी ना तो पहली मम्मी कहेंगी तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ रखा है, तो दूसरी मम्मी आएंगी और वो कहेंगी नहीं नहीं मेरा बच्चा तो अच्छा है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ रखा है। अब जब दोनों ही अच्छे हैं तो फिर कौन बिगड़ा कौन है? देखिए हर व्यक्ति में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो गुण दोष जिसमें ना हो, सब में होते हैं, नो बडी इज परफेक्ट हम लोग कहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के दोषों को नजरअंदाज मत करिए, प्रयास करिए कि उनको देख करके। और आज के युग में ये भी मैं बता दूं, आज इस आधुनिक युग में जब मोबाइल हावी है पूरे संसार पे, मैं आपको बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं बता रहा हूं, हम लोग कहते हैं, कई लोगों से सुनता हूं मैं, हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते महाराज जी, मेरी बेटी तो कहीं जाती ही नहीं है, मेरा बेटा तो कहीं जाता ही नहीं है, घर में ही रहता है। लेकिन याद रखिएगा वो जो मोबाइल है ना उसमें सारा संसार भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आधुनिकता से आप पीछे हो जाएं, अरे भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आप भी बढ़िए, लेकिन नजर रखना आवश्यक है, सचेत रहना आवश्यक है कि आपका बच्चा क्या उपयोग कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, परम आवश्यक है ये सब बातें आज के इस युग में। तो माताओं बंधुओं, नारद जी ने कहा थोड़े अवगुण भी सुन लीजिए, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी। क्या अवगुण है बेटी में, कुछ अवगुण है? बोले नहीं नहीं सीधे अवगुण नहीं है, लेकिन घूम फिर के अवगुण उन्हीं को लगेंगे। क्या लगेंगे मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा दरअसल ऐसा है कि इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके जो होने वाले पति होंगे ना वो अगुण अमान मातु पितु हीना और उदासीन सब संशय छीना। संशय छीना माने लापरवाह, बिलॉस, केयरलेस। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश और अस स्वामी एही कह मिलहि परि हस्त असिरेक। ऐसे पतिदेव मिलेंगे उनको, ऐसी रेखा डली हुई है उनके हाथ में। इतना सुनना था कि माता पिता तो दुखी हो गए। आप लोग विचार करिए, आप लोगों में से बहुत लोग बैठे होंगे जिनकी कन्या है, बेटी के पिता हैं, भगवान न करे आप लोग जब कन्या उत्पन्न होती है ना, तो कन्या उत्पन्न होने के बाद यदि माता पिता परमात्मा के पास कुछ मांगते हैं ना जाकर के, तो माताओं बंधुओं केवल यही मांगते हैं कि मेरी बेटी को जो पति मिले, जो दामाद हो हमारा, वो इस संसार का सबसे सुशील, सबसे यशस्वी, सबसे पैसे वाला, सबसे आज्ञाकारी, मेरी बेटी को प्रेम करने वाला ऐसा मिले, माने सर्वगुण संपन्न मिले।